वेलकम टू मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सात ऐसी जगहों की जहां किसी का भी जाना मना है, जिनके पीछे बेहद अद्भुत रहस्य हैं। तो चलिए जानते हैं इन रोचक रहस्यों के बारे में। ब्राजील के एक शहर साओ पाउलो से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक ऐसा टापू जहाँ इंसानों का जाना सख्त मना है। इस जगह का नाम है स्नेक आइलैंड। ये छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा हुआ है। इस आइलैंड पर लगभग 4000 सांपों का बसेरा है। दोस्तों, इस टापू पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लेंसहेड भी पाया जाता है। कहा जाता है ये सांप अपने जहर के 1 ग्राम मात्रा से 50 लोगों की जान ले सकता है। ऐसे ही हजारों जहरीले सांपों की वजह से इंसानों का यहाँ जाना बेहद खतरनाक है। ब्राज़ील ने 1909 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनवाया जिसे पानी के जहाज़ों को इस आइलैंड से दूर रखा जा सके। इस लाइट हाउस की देखभाल एक परिवार करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह परिवार भी यहाँ के सांपों की चपेट में आ गया और परिवार के सभी सदस्य मृत पाए गए, जिसके बाद ब्राज़ील सरकार ने इस लाइट हाउस को पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया और इस आइलैंड को इंसानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और नंबर 2 पर है ओकिगारा जापान। जापान के माउंट फूजी की तलहटी में स्थित है ओकिगारा। इसके अलावा जंगल में लूटपाट की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इन लुटेरों को नहीं देखा। इस जंगल का एक रहस्य और है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल, GPS, कंपास आदि काम नहीं करता। और नंबर 3 पर है एरिया 51। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स नवाडा के दक्षिणी भाग में स्थित है। वहाँ की सरकार इस जगह पर सिर्फ एक एयरपोर्ट बेस होने का दावा करती है। यह जगह यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा सन 1995 में विमानों की टेस्टिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस जगह से जुड़े इतिहास और किस्से बेहद अद्भुत हैं। जहाँ एक तरफ US मिलिट्री दावा करती है कि इस जगह को नए और हाईटेक विमानों के निर्माण और रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त UFO रखा हुआ है और यहाँ पर UFO और एलियन पे प्रयोग किया जा रहा है। एक्स एरोस्पेस इंजीनियर बॉयड बुशमन, जिन्होंने एरिया 51 प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक काम किया था, उन्होंने कुछ फोटोज शेयर की। फोटो में दिखने वाली चीज़ इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लगती। एलियन पे की गई ऑटोप्सी की एक वीडियो भी सामने आई, जिससे बॉयड बुशमन के खुलासों को और ज़्यादा प्रामाणिकता मिलती है। ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से एरिया 51 के बारे में बहुत मशहूर हैं, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और नंबर 4 पर है मॉस्को मेट्रो 2। रशिया के मॉस्को शहर में मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम का नाम है मेट्रो 2। इस मेट्रो लाइन का निर्माण जोसेफ स्टॉलिंग ने करवाया और इसका नाम B6 रखा गया। मेट्रो 2 की लंबाई मॉस्को के पब्लिक नेटवर्क से भी ज़्यादा है। जोसेफ स्टॉलिंग ने इस मेट्रो लाइन का निर्माण जमीन से 50 से 200 मीटर की गहराई में इसलिए करवाया था ताकि इस मेट्रो की सर्विस को आपातकाल जैसी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। यह रेलवे लाइन रशिया के प्रेजिडेंट ऑफिस को वहाँ के महत्वपूर्ण जगहों से जोड़ता है। जोसेफ स्टॉलिन ने इस रेलवे लाइन को न्यूक्लियर हमले जैसी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मकसद से बनवाया था। चलिए बात करते हैं सेंटिनल आइलैंड की, जो है 5वें नंबर पर। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड भारत के कुछ सबसे सुंदर आइलैंड में से एक है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ रहते हैं सेंटिनेलियन ट्राइब। यह दुनिया के एकमात्र ऐसे लोग हैं जो आज भी पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं। इन्हें बाहर के लोगों का इस आइलैंड पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से इस आइलैंड तक पहुंचना बेहद मुश्किल और ख़तरनाक है। इनसे संपर्क बनाने की गई आज तक की हर कोशिश नाकाम हुई है, क्योंकि जब भी कोई इस आइलैंड के आसपास आता है तो यह लोग तीर और भालों से उन पर हमला कर देते हैं और उनके साथ वही सलूक करते हैं जो ये लोग अपने शिकार के साथ करते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 6 की, पोविग्लिया आइलैंड। दोस्तों, इटली के वेनेटिनियन लगून में स्थित एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है पोविग्लिया।
सन 1348 में इटली और वेनिस में बुबोनिक प्लेग फैला हुआ था। उस समय इस आइलैंड का उपयोग बेहद बीमार और मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को रखने और उन्हें जलाने के लिए किया जाता था। सन 1630 में एक बार फिर यहाँ ब्लैक डेथ नामक प्लेग फैल गया और एक बार फिर इस आइलैंड का उपयोग मुर्दा घर के रूप में किया गया। 1922 में इस जगह का नवीनीकरण किया गया और यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद इस जगह के भूतिया होने की बात सामने आई। इस पूरे आइलैंड को प्लेग से प्रभावित लोगों के भूतों से भरे होने की बात पे इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आखिर में है कोका कोला वॉल्ट। आप सब लोगों ने कोका कोला के स्वाद का मजा तो लिया ही होगा, पर क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं आती कि इतनी स्वादिष्ट रेसिपी का राज क्या है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला ने अपनी इस रेसिपी को सुरक्षित रखा हुआ है। कोका कोला वॉल्ट, जो कि अटलांटा में स्थित है, जिसे वॉल्ट ऑफ सीक्रेट फार्मूला भी कहा जाता है, इस जगह पर कोका कोला की रेसिपी के सीक्रेट फार्मूले को 125 सालों से सुरक्षित रखा गया है। कोका कोला कंपनी के 2-3 लोगों के अलावा इस रेसिपी की जानकारी किसी और को भी नहीं है। आप एक मोटी कीमत चुकाकर इस वॉल्ट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोका कोला रेसिपी तक फिर भी नहीं पहुँच सकते। दुनिया के बारे में ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक बातें जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।